छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि धान खरीदी पर कांग्रेस नहीं भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। छत्तीसगढ़ का कोयला, आयरन, बॉक्साइट तमाम चीजें केंद्र सरकार लेगी और छत्तीसगढ़ के भोले भाले किसानों का चावल नहीं खरीदेगी। ये छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र सरकार का सौतेला व्यवहार है। इन तमाम मुद्दों पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से हमारी खास बातचीत हुई है। हमारे ब्यूरो चीफ प्रकाश तिवारी ने बातचीत की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं। सर, धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ में जमकर राजनीति हो रही है, इसको किस तरह से देखा? मुझे लगता है कि ये प्रश्न उचित नहीं है। हम धान खरीदी में कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारे किसानों की बात को दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं। हमने पिछले साल 2500 रुपया क्विंटल किसानों को दिया था और अभी भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने कहा है कि हम किसानों को हर हालत में 2500 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत देंगे। सवाल इस बात का नहीं है कि हमने केंद्र सरकार से धान खरीदी के लिए कोई राशि मांगी है। हमें एक रुपये की जरूरत नहीं है केंद्र सरकार की। छत्तीसगढ़ के संसाधन से छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदी हमने पिछले साल भी किया, इस साल भी करने जा रहे हैं। सवाल ये है कि हमारा किसान जब धान उत्पादन करता है, कस्टम मिलिंग हम कराते हैं, उसका चावल बनाते हैं, तो पूरे देश में सेंट्रल पूल में चावल केंद्र सरकार खरीदती है FCI के माध्यम से। पंजाब का ले रहे हो आप, हरियाणा से ले रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश से ले रहे हैं आप, वेस्ट बंगाल से ले रहे हैं आप, आंध्र प्रदेश से चावल आप ले रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का चावल क्यों नहीं लेंगे? छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का हिस्सा है, यहाँ के किसान भी देश भारत के किसान हैं। हमारी लड़ाई ये है, हम धान खरीदेंगे, उसके लिए हमें राशि की कोई ज़रूरत नहीं। सर, ये देखा जाए तो गौठान जो बने हुए हैं, कई जगहों पर ऐसी शिकायत आ रही है कि कुछ गायें मर रही हैं भूख से, उनको पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही, इसके लिए सरकार ने कुछ उचित व्यवस्था की है? मुझे लगता है कि आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, ये प्रश्न को थोड़ा सुधार लें। एक भी गौठान में गैया की मौत की सूचना अभी तक नहीं आई है। जो अखबारों में छप रहा है, कल भिलाई का छपा है, वो मैदान में खुले में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम था, उसमें भोजन छोड़ दिए थे, उसके कारण मौत हुई है। जो लोहरसी का था, जो अभनपुर का था, वहाँ के सरपंच के कुछ रिश्तेदारों ने अलग से मैदान में बंद करके रखा था, उसका है। सरकार के गौठान में सरकार ने 10,000 रुपये महीना हम सुराजी गांव समितियों को दे रहे हैं चारा इकट्ठा करने के लिए, हम बेलर मशीन दे रहे हैं, और किसी भी सरकार के बनाए हुए गौठान में ऐसी सूचना ना आई है ना आएगी। ये थे रविंद्र चौबे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो हमारी योजनाएं हैं वो साफ तौर पे सुचारू रूप से चल रही हैं, विपक्ष केवल आरोप लगा रहा है, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। वीडियो जलित दुर्गेश के साथ श्री प्रकाश तिवारी, R9 TV।